सर तुम लोगों को जैसे पता ही है कि हमारे 1.19 वाले माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में हमारे जो शेडर्स है वो काम नहीं करते हैं जरा से भी, और ये सब हुआ बस सिर्फ और सिर्फ रेंडर ड्रैगन वाले मनहूस की वजह से। लल्लू लाल पे तो बिना मतलब ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं। सो इसी की वजह से मैं आज एक मेथड लाया हूँ जिससे आप लोग अपने 1.19 वाले माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में भी खेल सकते हो अपने शेडर्स, पुराने वाले शेडर्स, वो भी कोई नए शेडर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली, नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा। सो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली वीडियो, लास्ट तक वीडियो इसलिए देखते रहना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, अदरवाइज तुम लोग नहीं यूज कर पाओगे शेडर्स। और यार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो यार प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। सो यहाँ पे तुम लोग देख ही सकते हो भाई हमारा जो गेम है एकदम शेडर्स के साथ चल रहा है, वो भी 1.19 के अंदर, और इसका प्रूफ तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। सामने यहाँ पे एक मड का एक बिल्डिंग है जो कि मेरी कुटिया है, मेरा मतलब घर वाली कुटिया और दूसरे वाली कुटिया नहीं। और यहाँ पे तुम लोग भी यहाँ पे देख सकते हो कि भाई 1.19 में ही हमारा मड का अपडेट आया था। सो देख सकते हो भाई 1.19 में भी हमारा शेडर कितना ही ज्यादा बढ़िया चल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो भी लैग भी नहीं कर रहा कोई। और सबसे बड़ी बात है कि भाई इसमें तुम लोग देख सकते हो वार्डन भी स्पॉन हो पा रहा है। सो भाई एक्चुअली में लेजिट वीडियो है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कम्प्लीटली, रीजन बताने वाला आगे, बट यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं एले को भी स्पॉन कर पा रहा हूँ। सो कम्प्लीटली ये जो 1.19 वाला अपडेट है इसमें हम लोग यूज कर पा रहे शेडर्स के साथ, बट जो रीजन है जिसकी वजह से मैं ऐसे कह रहा था इसलिए क्योंकि भाई ये कम्प्लीटली मॉड यूज करा मैंने, जो कि 1.19 के जो अपडेट्स थी जो एडवांस थे उन्हें ऐड कर देते 1.18 में, क्योंकि यार तुम लोग पता ही 1.19 के रेंडर ड्रैगन इंजन की वजह से हम लोग शेडर्स को यूज नहीं कर सकते, बट अगर हम लोग वही मॉड्स को यूज करें 1.18 के अंदर तो हम लोग इजिली शेडर्स को भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं यूज करूँ 1.18.2, सो तुम लोग भी उसे यूज कर सकते, जस्ट गूगल पे जाओ टाइप कर लो, यहाँ पे मैं लिंक नहीं देने वाला अदरवाइज मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकता है। और भाई यहाँ पे तुम लोग देख ही सकते हो भाई वाटर की क्या ही खतरनाक वाली क्वालिटी है, इतनी ज्यादा बढ़िया वाली है, शेडर्स तो मैंने बहुत टाइम पहले ही देखे थे। और इन मॉड के थ्रू तुम लोग ऑलमोस्ट सारे हमारे 1.19 वाले आइटम्स मिलने वाले, और अगर फिर भी कोई आइटम्स बच जाए तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनके भी मॉड्स का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दे दूंगा तो तुम लोग उन्हें भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे तुम्हें कई सारे एडिशनल मॉब्स भी मिलने वाला और कई सारे एडिशनल आइटम्स भी मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो स्कल कैटलिस्ट यहाँ पे एकदम बढ़िया तरह से काम कर रहा है और बढ़िया वाला इफेक्ट भी मिल रहा है, जो कि भाई बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है हमारे शेडर्स के साथ। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो भाई ओट्स कितने ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं भाई, मतलब मोजैंग भी इन मॉड्स के सामने फेल है भाई, क्या बेकार अपडेट लाता है भाई मोजैंग। इसमें तुम लोग कई सारे एडिशनल मॉब्स भी मिलने वाला, लाइक यहाँ पे बी और ये बी रो क्यों रही है, और यहाँ पे भाई एंट्स भी यहाँ पे मिलने वाले तुम्हें, और ये इतने ज्यादा डांस क्यों कर रहा है भाई, इसमें मॉब्स अलग ही भाई चल रहे हैं भाई। और ये देख सकते हो ये भी थोड़ा बहुत अजीब सा ही क्योंकि भाई ये डे में भी जल नहीं रहा, मतलब अलग ही है भाई। और यहाँ पे देख सकते हो ये तो बॉडीगार्ड लग रहा है। सो भाई यहाँ पे देख सकते हो जो ऑलमोस्ट सारे मॉब्स यहाँ पे बढ़िया लग रहे हैं, और यहाँ पे कई सारे एडिशनल आइटम्स भी मिलने वाला, लाइक यहाँ पे एक आर्मर भी मिलने वाला, एक स्कल प्लांट जो कि तुम लोग यूज कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, और कई सारे मजे भाई लूट सकते हैं इस गेम में। वही मॉड्स के साथ हमारा जो गेम है कम्प्लीटली चेंज होने वाला है मीन 1.19 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे तुम शेडर्स भी यूज कर पाओगे 1.19 के फीचर्स के साथ, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाली बात है। और जो मॉड्स है तुम्हें इस ऑर्डर में प्लेस करना है ताकि भाई तुम्हारे जो मॉड्स अच्छे से वर्क कर पाए, अदरवाइज ये जो मॉड्स है अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे और तुम्हारा जो गेम है वो नहीं चल पाएगा। भाई मेरा पंगे लेने का बहुत मन कर रहा है नए मॉब से। देख सकते हो भाई ये वाला जॉम्बी भी हमारे नॉर्मल जॉम्बी की तरह ही बेकार है, बस ये रोटेन फ्लैश देता है स्कलीफाइड वाला, जो कि एकदम ही बेकार है और भी बेकार है ये तो। और यहाँ पे मैंने एंड को मारा और ये सब एंड मेरे पास क्यों आ रहे हैं भाई, सब एक साथ क्यों मार रहे हैं भाई, इतने जल्दी कैसे मार दिए मुझे इंसान के। तो भाई मैं फिर से अपनी कुटिया में वापस आ ही चुका हूँ कि भाई मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं, वैसे मेरा घर दिखने में तो है बढ़िया यार, ये तो कहना पड़ेगा। और यहाँ पे रास्ते में भी कई सारे पेबल्स भी पड़े हुए हैं जो कि हमारे गेम को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना देता है मॉड के साथ, जो कि यार बढ़िया लग रहा है। और शेडर्स तो यार ऑसम है ही, और यहाँ पे मैं शेडर यूज कर रहा हूँ शार्प शेडर, जो कि बहुत ज्यादा ही बढ़िया काम करता है, इसका भी जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा तो तुम लोग वहां से जाकर इजिली डाउनलोड कर सकते हो। और यार केव अपडेट के साथ जो हमारे केव्स थे वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़िया हो ही चुके हैं, सो यहाँ पे देख सकते हो केव में कुछ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे हमें। बाकी ये यहाँ पे क्या कर रहा है ज़ॉम्बी इनके साथ भाई, एक से दो कैसे हो गई भाई, क्या कर रहे थे तुम लोग, गाड़ी स्टार्ट कर, चप्पल चप्पल छूट गया, हम फर्स्ट क्या कर रहा था ज़ॉम्बी तू, भारी मिस्टेक हो गया सर। यहाँ पे नाइट को भी देख सकते हो भाई क्या ही बढ़िया लग रहा है भाई, मतलब 1.18 से पहले जो शेडर्स है ना वैसे शेडर्स यार मुझे नहीं लगता यार कभी आ पाएंगे। पूछा किसी ने नहीं। और जो स्काई है भाई कम्प्लीटली मूव भी कर रहा है, जो कि भाई और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना देता है हमारे गेम को। और यहाँ पे तुम लोग टॉर्च को भी देख सकते हो, आई मीन लाइटिंग को भी देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इतना ज्यादा बढ़िया तो भाई कोई भी शेडर है ही नहीं 1.19 में। सो यहाँ पे डाउनलोड प्रोसेस पे जाए तो यार तुम लोगों को कुछ मॉड्स यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया, और तुम लोग भाई सारे के सारे यहाँ पे मॉड्स डाउनलोड कर लेना है, उसी बाद तुम्हारे जो 1.19 के फीचर्स है उन्हें तुम यूज कर पाओगे 1.18 में शेडर्स के साथ। सो जस्ट यहाँ पे मॉड को चूज कर लेना है, और यहाँ पे एरो पे क्लिक करके माइनक्राफ्ट
और ऑलवेज पे क्लिक कर देना, यानी तुम लोग जो गेम है वो कम्प्लीटली ओपन होने लग जाएगा। और जस्ट यहाँ पे तुम लोग वेट करना है जब तक तुम्हारा गेम ओपन नहीं हो जाता, फिर ऐसा कुछ इंपोर्ट स्टार्टेड का नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम लोगों के पास, और जस्ट यहाँ पे तुम्हें वेट करना है जब तक पूरा इंपोर्ट नहीं हो जाता। यहाँ पे मेरा फेल टू इंपोर्ट आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तुम लोगों में सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्ल्ड पर जाना और यहाँ पे रिसोर्स पैक्स और बिहेवियर पैक्स जो भी तुम लोगों ने करा है उसे एक्टिवेट कर लेना है। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बट यार बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है मोड। पूछा किसी ने सिवाच वीडियो में रखते हैं बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब के बिना मत जाना, वीडियो को ज्यादा शेयर भी कर देना। और तुम लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि भाई किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, सो मैं उस पर बनाऊंगा। सो आई विल टेल देम गुड बाय।